क्या नाम है तेरा? भारती बाफड़ा, श्री डोंगरगढ़, बीकानेर जिले से। अच्छा, क्या हुआ था आपको, मनु भैया के पास क्यों आए? मैंने आपका बहुत वीडियो देखती हूँ, डेली वीडियो देखती हूँ डेली। अच्छा, मेरे को भूत प्रेत वाला वीडियो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो क्यों? वो ऐसे आप पकड़ के बताते, बोल भाई तू कहाँ से आया है। फिर मैं बोलती हूँ, भैया ऐसे पूछो कि तू कहाँ से कब जाने वाला है ये बता दे मेरे को। तो आपको क्या था? मेरे को प्रेत पीछे था भैया, मैं करवट नहीं बदली, यहाँ दिल्ली आई रहती हूँ मैं। हाँ। दिल्ली में आ गई थी बच्चे को, यहाँ सादरा में रहती हूँ मैं। अच्छा, फिर बच्चे की सगाई भी नहीं होने देता है। साथ कौन आया? मेरा पति है, यहाँ खड़े है मेरे पति है, मेरी ननद को लेके आई हूँ, अब उसको लेके आई हूँ। फिर मैंने कहा उसे कि भाई अब मेरा करवट तो बदलने दे मेरे को। मैं यहाँ आई भैया, मैं एक डेढ़ महीने से कुछ खा नहीं रही थी, अब मैं भरपेट जितना मेरे को खा सकती हूँ, मेरी जितनी शक्ति है दी है बाबा ने, मैं खा सकती हूँ। और प्रेत? प्रेत मेरे को लगता है मनु भैया ने ले लिया। नहीं तो तू इतने श्रद्धा से वीडियो देखती थी, भगवान कुछ करेंगे नहीं क्या तेरे साथ? करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और मेरे पति का पैर हो गया था ऐसे, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भाई मेरे को भाई ने बहन को ठीक एकदम ठीक कर दिया। तो रक्षाबंधन की इलाज निभी कि नहीं निभी? एकदम पक्की पक्की, भगवान तो निभाते हैं ना, मैं नहीं निभा पाऊंगा तो वो निभा। आपका तो आशीर्वाद, भाई का आशीर्वाद। तालियां बजा दो इनके लिए। अब वो वजन महसूस होता है? एकदम पक्का वजन महसूस होता है अब। हाँ, मेरे को ऐसे मनु भैया ने कहती है सबको, नहीं कमर पे जो वेट रहता था वजन नहीं, वो नहीं रहता है, खाली यहाँ यहाँ रहता है, वो थोड़ा सा रह गया, मामूली सा है। और भैया मेरे नहीं, ये पेट में बोलते हैं डॉक्टर है कि आपकी एक वो डैमेज हो गई है। मैंने कहा वो मनु भैया अपने ठीक कर देंगे, बस भगवान के नाम पे छोड़ दे भाई, जाना है। सबने बोला डॉक्टर साहब आपने भी जाना है, आपका भी निधन होगा, कितना ही धन कमा लो आगे ना, आप भी बिना धन के ही जाओगे आगे ना। निधन का मतलब ये है कि निर्धन होके जाओगे, निधन ऐसी को कहते हैं, यानी कि धन पास में रहेगा नहीं इतना सा भी, बोल देना डॉक्टर साहब। पहला निधन होगा, निधन तेरा निधन होगा। आए कितना कमा ले तू यहाँ लोगों से।